नमस्कार, खरौंधी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। जिले के वैसे प्रखंड जिनका प्रखंड सह अंचल कार्यालय का भवन जर्जर है, जिसका मरम्मत की आवश्यकता है, उसकी मरम्मत की जाएगी। प्रमुख आभा रानी ने तथा वीडियो गणेश महतो के संयुक्त प्रयास ने रंग लाया। खरौंधी प्रखंड कार्यालय का मरम्मत जल्द कराई जाएगी। घर बैठे मोबाइल पर न्यूज देखते रहने के लिए खरौंधी लाइव को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जिले के वैसे प्रखंड जिनका प्रखंड सह अंचल कार्यालय का भवन जर्जर है, जिसका मरम्मत की आवश्यकता है, उन सभी प्रखंड का प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का जीर्णोद्वार जल्द किया जाएगा। इसके लिए विकास आयुक्त ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र भेजा है। साथ ही जल्द तत्संबंधी प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है। उप विकास आयुक्त ने पत्र में उल्लेख किया है कि यदि प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन की जीर्णोद्वार की आवश्यकता है तो उससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर अपने मंतव्य के साथ 2 दिनों के अंदर उपायुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे, ताकि प्रखंड से प्रस्ताव के आलोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता से तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राकलन प्राप्त कर स्वीकृति की दिशा में आवश्यक कार्रवाई हेतु विभाग को भेजा जा सके। जर्जर भवन मरम्मती के लिए वीडियो ने पत्राचार किया था। खरौंधी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश महतो ने पत्रांक 306 और दिनांक 17 मई 2023 के माध्यम से पत्र भेजकर उप विकास आयुक्त को प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन की जर्जर अवस्था और इसकी मरम्मती की आवश्यकता के बारे में सूचित किया था और खरौंधी प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन के शीघ्र मरम्मती की मांग की थी, ताकि प्रखंड सह अंचल कार्यालय का कार्य सही तरीका से संपादित किया जा सके। प्रमुख आभा रानी ने भी कई बार ब्लॉक मरम्मती की मांग की थी। प्रखंड प्रमुख आभा रानी ने बताया, खरौंधी प्रखंड अंचल कार्यालय का भवन जर्जर अवस्था में पहुंच गया था। इसके मरम्मती व जीर्णोद्वार के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात कर जिले के पदाधिकारियों से जीर्णोद्वार के संबंध में पत्राचार के लिए बात की थी। इसके आलोक में पिछले दिनों मनरेगा जांच के लिए खरौंधी आए मनरेगा लोकपाल रांची गढ़वा उपायुक्त तथा उप विकास आयुक्त गढ़वा से ब्लॉक की मरम्मती की मांग की थी। खरौंधी से पत्राचार तथा मांग के पश्चात खरौंधी प्रखंड कार्यालय से जीर्णोद्धार के साथ जिले के जर्जर हुए सभी प्रखंडों के प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन के जीर्णोद्धार की दिशा में पहल की जा रही है। यह जिला प्रशासन के सराहनीय कदम है। प्रखंड सह अंचल कार्यालय विकास एवं जनहित के कार्यों के कार्यान्वयन व संचालन के प्राथमिक आयाम होते हैं। ऐसे में प्रखंड भवन को दुरुस्त एवं सुविधा संपन्न बनाने से जनता के कार्य संपादित में काफ़ी सुविधा होगी। जानकारी के अनुसार गढ़वा जिला में कुल 20 प्रखंड है, जिसमें अधिकांश प्रखंडों में प्रखंड सह अंचल कार्यालय एक ही भवन में संचालित है। इन 20 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों में ही नए भवन बने हैं, जबकि अधिकांश प्रखंडों में पूर्व में बने प्रखंड सह अंचल कार्यालय का भवन जर्जर अवस्था में है। उनकी जल्द मरम्मती की आवश्यकता थी। जर्जर प्रखंड सह अंचल कार्यालय के भवन का जीर्णोद्वार करने से प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी को प्रखंड सह अंचल कार्यालयों को प्रदत्त इक्विपमेंट्स और अन्य आवश्यक सामग्री सही स्थान पर शिफ्ट कर सकेंगे। साथ ही